बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज के व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पनीरी लगी हुई है। ये ऑस्ट्रेलियन चारा है, नूरानी सीड का बेमिसाल चारा। इसका बहुत ही बारीक बीज होता है। आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमने ये बीज यहाँ पर लगाया था और इसकी पनीरी तैयार की जाती है। ये पनीरी 22 दिन के बाद ज़मीन में शिफ्ट की जाएगी, जिस तरह चावल की फसल लगाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% जर्मिनेशन हुई है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस बीज का। आप ये देख सकते हैं, अभी इसको 10 दिन हुए हैं और तकरीबन 12 दिन और जहाँ पे ये रहेगी, जब इसकी ये कोंपलें निकलेंगी तीन तीन चार चार, तो उसको हम ज़मीन में शिफ्ट करेंगे। तमाम दोस्त अहबाब जो कि ज़रात के शोबे से वाबस्त हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस घास को लगाएँ और जानवरों को बेमिसाल चारा खिलाएँ। ये जो मैंने ऊपर जाल लग गई, ये जब छोटी थी तो चिड़ियों के लिए, ताकि वो इसको बीज ना उठा सकें। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन बहुत ज़बरदस्त 100% जर्मिनेशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको छांव में लगाया है कि अगर ये फरवरी में काश्त की जाए तो फिर मुतदिल मौसम होता है, लेकिन हमने चूँकि सिर्फ आज से जून में काश्त की है तो लगाई है पनीरी, तो इसलिए हमने इसको छांव में लगाया। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कपास लगाई हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 100% जर्मिनेशन हुई है माशाल्लाह। ये देखिए, तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, फजल डाले अपना। ये दो प्लाट, एक ये वाला और एक ये वो नीचे है वो वाला, उसमें भी कपास लगाई है। वो पीछे देख सकते हैं कि सूरज ढलने का मंज़र, ये देखिए। ये मेरे साथ शहद भाई हैं, ये भी वॉक कर रहे हैं।